रघुवर माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के निर्देशानुसार हम लोग का बहाली हुआ था और लगभग 14 महीना हम लोग ट्रेनिंग किए। उसके बाद ट्रेनिंग हमारा पद्मा में हुआ था, इसका निकराग में और निशांत भाई का भी पद्मा में हुआ था। ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग टोटल जितना भी यहाँ जो टीम मिली थी हम लोग यहाँ आए। आने के बाद जिस समय हम लोग ट्रेनिंग में थे और भी हमारे जो बैचमेट थे हम लोग को बोला करते थे कि जाओ ना छुट्टी में, तुम लोग का इंतजार कर रहा है, तो एक पत्थल गाड़ी और दूसरा नक्सल है ना। दे यूज टू मॉक एट अस। हम लोग भी लगता था पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्योंकि उससे पहले तो हम लोग एक स्टूडेंट थे, ग्रेजुएशन किए थे, उसके बाद नौकरी लग गई ढंग से, कभी मतलब ये नहीं किया था। लेकिन ट्रेनिंग एक अहम हिस्सा होता है, ट्रेनिंग आपको ट्रेन करता है। एजुकेशन और ट्रेनिंग में यही अंतर है। एजुकेशन होता है स्पेसिफिक, मीन सब चीज़ के लिए होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है। ट्रेनिंग होता है कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में उसके लिए स्पेसिफिक बनाता है। तो हम लोग फुटी ज्वाइन किए। हम लोग का सौभाग्य था कि हम लोग से पहले जो यहाँ टीम थी आशुतोष सर उस समय एसपी थे और हम लोग के जो सीनियर थे वो बहुत अच्छे थे। हम लोग के सीनियर थे दिग्विजय सर, जो फील्ड के लिए मतलब फील्ड में उनसे अच्छा कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता है, खास करके इस जिला के लिए जो है ना, और नक्सल जिला के मौसम इज द बेस्ट पर्सन फॉर नक्सल एरिया। नक्सल एरिया में उनसे अच्छा कोई हम लोग का ट्रेनर हो नहीं सकते जो प्रोफेशनल के दौरान हम लोग ट्रेनिंग दें। दूसरा हमारे SDPO साहब थे ओम प्रकाश तिवारी सर, उनका भी ट्रांसफर हो गया है, उन्होंने भी हम लोग को मतलब फील्ड में कैसे क्या करना है। पुलिस का मेन दो चीज़ होता है, एक मतलब अजय आप थानेदार बोल रहे हैं, एक आपको मतलब आप कैसे भी कोई भी डाटा वगैरह अभिलेख वगैरह कैसे रखते हैं, दूसरा उसका फील्ड में ये कैसे करते हैं, मतलब उसको यूटिलाइजेशन आप फील्ड में कैसे करते हैं। उसी तरह वाइस वर्सा है कि फील्ड में जो आप किए आप अपना अभिलेख में कैसे रखते हैं। फील्ड में किए आप मान लेते हैं अगर कोई बदमाश है उसको पकड़ लिए और उसके विरुद्ध अगर अच्छा से लिखा पढ़ी नहीं होगा तो वो जल्दी से बेल से मिल जाएगा, और भी बहुत सारा चीज़ है वो फिर वही करेगा। तो हम लोग का ट्रेनिंग उन दोनों के निर्देशानुसार बहुत अच्छा रहा। कुछ दिन बाद हम लोग अजय टीम जरियागढ़ से हम रनिया आए, अजय JSI और यहाँ हम लोग का टीम जो था ही आप लोग जान ही रहे, और हम लोग ठीक ठाक काम किए। लेकिन पुलिस तभी ठीक काम कर सकती है जब तक जनता का साथ हो, क्योंकि हम लोग भी तो आदमी हैं, हमारे पास अगर इनपुट नहीं रहेगा वी कांट डू एनीथिंग, कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, करेंगे भी तो वो उसका कोई मतलब नहीं है, एक दो गलती से अगर ये हो भी जाता। तो हम लोग का सबसे अच्छा यहाँ लगा कि पब्लिक लोग हम लोग का खूब सपोर्ट करते हैं, हम लोग भी पब्लिक से फ्रेंक थे, जहाँ जरूरत पड़ा अजय मतलब ऑफिसर जैसा नहीं, जो हम लोग का हेड एटी आ रहा था पारंपरिक जो था उस तरह नहीं करके कि पुलिस का अकड़ है, हम लोग एकदम जैसा भाई जैसा, जो बड़े हैं उनसे बड़ा, गार्जियन जैसा, और बहुत कुछ सीखे। जब भी जरूरत पड़ता था अगर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो पब्लिक में भी जो ज़्यादा जैसे जो जनप्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि के साथ डिस्कस किए कि इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, और जनप्रतिनिधि चाहे वो JMM का हो चाहे BJP का हो, मुख्यतः यहाँ दो पार्टी के ही हैं, उन्होंने कभी भी मतलब ऐसा पैरवी नहीं किया जो हम लोग नहीं कर सके, है ना। मतलब कभी उन्होंने हम बाध्य नहीं किए, जो एक विकास का ये होता है चाहिए हम लोग का सुरक्षा जो प्रदान करने का ये था, उसमें कभी उन लोग रोड़ा नहीं बने जनप्रतिनिधि लोग। इसीलिए हम जो यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको भी धन्यवाद करते हैं, है ना। सेकेंड दूसरा पहलू था हमारे रिपोर्टर लोग का। रिपोर्टर लोग भी हम लोग का जितना मतलब कोऑपरेशन था उम्मीद से ज़्यादा कोऑपरेट किए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें ऐसी होती है जो नियमानुसार नहीं चल सकता है, उसमें थोड़ा सा दाएं बाएं करना पड़ता है ना। तो उसमें भी जहाँ जरूरत पड़ा, हालांकि हम कभी मतलब कानूनी रूप से कभी परोच मतलब उल्टा नहीं गए, ठीक है, लेकिन कभी ऐसे कुछ दृष्टांत आए थे जिसमें पब्लिक रिपोर्टर लोग जो हैं योगदान रहा, हमेशा कोऑपरेशन रहा। तो ये दूसरा पहलू हुआ, पब्लिक का साथ मिला, मीडिया का साथ मिला, जनप्रतिनिधि का साथ मिला, और नवयुवक हम लोग तो सबका कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा बना कि हम लोग अच्छा काम कर पाए। हम हालांकि और भी कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसमें करना भी काम और भी
बाकी है, ऐसा नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है निरंतर। कभी कुछ आता है तो कुछ कुछ अच्छा होता है तो कुछ गड़बड़ होता है, है ना, वो एक निरंतर हिस्सा है। अगर सब चीज एक बार में ठीक हो जाएगा तो फिर पुलिस का जरूरत नहीं है, है? लेकिन पहले से चीजें बेहतर हुई है जैसा हम लोग सोचते हैं और जैसा हम लोग आप लोग से ये मिलता है हम लोग को कि हाँ कुछ तो पहले से सुधार हुआ है। अभी रनिया नक्सल क्षेत्र से भी बाहर हो गया, नहीं मतलब ये सारी नक्सल मुक्त हो गया, जो पहले पत्थलगढ़ी था वो लगभग खत्म हो चुका है। उसमें पुलिस का तो योगदान है ही, आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। कुछ चीजें हैं क्षेत्र में जो अभी करना बाकी है, जैसे अंधविश्वास यहाँ अभी भी बहुत हावी है, हड़िया दारू अभी भी हावी है, एजुकेशन में अभी भी हमारा क्षेत्र काफी पीछे है। तो ये दो तीन पहलू हैं जिस मतलब जिस पे भी काम करना बाकी है, और हम उम्मीद करते हैं, हालांकि वो पुलिस का काम नहीं है, लेकिन देखिए सब एक दूसरे का ये होता है, पूरक होता है। अगर पुलिस ना रहेगा तो रोड ठीक से नहीं बन पाएगा, बनने में बहुत सारा लेवी वगैरह, कुछ अच्छा स्कूल नहीं आ पाएगा, तो सब एक दूसरे का पूरक है। अगर सुरक्षा आप नहीं दीजिएगा तो आपका क्षेत्र विकास नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा तो जो आप चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, आपको रांची जाना पड़ेगा और बहुत बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट तो हमारा मेन मुद्दा रहा, हम लोग भी उसी का एक प्रोडक्ट है, हालांकि हम लोग का जॉब लग गया बाहर, वो भी कुछ कुछ मतलब ये है। और क्या बोले, आप लोग का बहुत योगदान रहा। आज एक चीज और स्मरण करना चाहेंगे, सरस्वती पूजा है ही, सबको शुभकामनाएं सरस्वती पूजा का, इसका मतलब अच्छे से पूजा करना है, खास करके जिस समय ये करते हैं प्रतिमा विसर्जन करते हैं उस समय विशेष ध्यान देना है, आपसी लड़ाई नहीं हो। आज एक और महत्वपूर्ण दिन है, किन्हीं को याद है, राजी के दिन 2019 में हुआ था ना, हुआ था 15 को एक कविता लिखे थे पुलवामा में। आज हालांकि मैं बहुत अच्छा वाचक नहीं हूँ, लेकिन जो भी आवाज है उसमें पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ठीक है ना, गौर मत होइए। फिर घिरा बादल संतापों का, फिर अंधेरा छाया, न जाने मनहूस मानवी त्रास है फिर आया, मानवता का गला घोटने वाले ओ सुन मानव, दानवता की अतिशोक्ति कायर छली अमानव, तू दुष्ट छली कपटी आतंक का धोतक, भय त्रास संहार को मत समझ जन्नत तक जन्नत का पोतक, वो निशस्त्र थे देश के शस्त्र थे मानवता के रखवाले, वीर निडर अदम्य साहसी दयावान को जसवी लाला, ज्वार दिल में धधक रही है रोम रोम में क्षोभ है, हे शहीदों वीर बापरो हमें भी मातृ पे अमर होने का लोभ है, सफेद पोसो जुमलेबाजो जनता के वो नायक, सफेद पोसो जुमलेबाजो जनता के ओ नायक, ओत प्रोत हो भाव विभोर हो बन एक असली जननायक, नहीं समय है अब केवल भाषणों और बोली का, नहीं समय है अब केवल भाषणों और बोली का, मानवता मानस माने हम दे दो छूट गोली का, कब तक बात करे रावणों से यूं अपनों को खो खो कर, हे लाल पिता पुजवर मेरे कब तक संताप करे रो रो कर, चुन चुन कर नष्ट करो अब आतंक का संहार करो, अब समय है जागो हनुमान शस्त्रों से प्रहार करो, तुम अजर हो तुम त्रिकाल हो स्वरूप दिखा चंडाल का, पापियों दुष्ट दानवों भचन को धारण कर महाकाल का, बहुत हो चुका शोक बयान का निंदा नहीं चाहिए, जन्नत की मन्नत पूरा करने को एक भी आतंकी जिंदा नहीं चाहिए, भाव भी नहीं हूँ ज्वार पखर हूँ हूँ मैं अति बड़ भागी, जो जन्म लिया इस जन्नत में बनू वीर अनुरागी। ये समय है, बहुत इमोशनल हूँ बट आई कैन नॉट शेयर माई फीलिंग्स, लेकिन यही कहूँगा कि आप लोग का बहुत अच्छा साथ रहा, हम लकी थे कि हमको फूटी दिया, हम ये नहीं मानते कि हम कुछ दिए, हम लोग को नाम दिया ये दिया हम लोग का ये था, मतलब क्या बोले, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई इमोशंस इन वर्ड्स में, इमोशन को बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन यही कहेंगे जिंदगी में दो चीज़ मायने रखता है, जिंदगी में जहाँ भी रहिए दो चीज़, एक मातृभूमि और एक
कर्मभूमि। मातृभूमि सिर्फ हमें जन्म देता है, लेकिन कर्मभूमि आपको आप किसके लिए जन्म हुए हैं वो सिखाता है। एक ये थे पोएट का नाम भूल गया, वो बोले, हम हमेशा वो पोएम बोलते हैं, नहीं है भावों से जिसमें बस्ती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बस्ती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। इनका मेरे दौरान अगर किने को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अगर कुछ दिक्कत हुआ होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और आप लोग भी हमारा क्षेत्र सुरक्षित हो, विकासशील हो, यही कामना करते। धन्यवाद। ठीक है।